तो आज हमारे हाथ लगे हैं दोस्तों इंडिया के फर्स्ट हेलमेट डिजाइन के ANC ईयरबड्स विद डुअल डिवाइस पेयरिंग एंड डुअल RGB LED लाइट्स का ऑप्शन, और वो भी मात्र 1300 रुपए की। और साथ ही में ये डिजाइन एंड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है दोस्तों, तो अभिषेक बोल रहे हैं कि छाती ठोक के इस वीडियो में 3000 लाइक्स का टारगेट तो होना ही चाहिए। बात तो सही है। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर आप नंबर ब्रांड को जानते ही होंगे। ये मार्केट में नए नए गेमिंग ईयरबड्स को लेके काफी इनोवेशन लाते रहते हैं कुछ ना कुछ। इनके नंबर सुपर बड्स प्रो GT9 ईयरबड्स को आप जानते ही होंगे, हेलमेट डिजाइन के गेमिंग ईयरबड्स से मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल रह चुके हैं। और अब इन्होंने अपने एक और गेमिंग ईयरबड्स लॉन्च कर दिए, इसको आप डेफिनेटली गेम चेंजर गेमिंग ईयरबड्स बोल सकते हैं, दैट इज नंबर बट 999 गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। और इसका लॉन्च प्राइस है 1300 रुपए मात्र, जो कि प्राइसिंग इसका बढ़ जाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया फटाफट ग्रैब कर लीजिएगा, वरना इसका प्राइसिंग 1600-1700 रुपए के आसपास हो सकता है। और यहां पर इसमें आपको इतने कम प्राइस पॉइंट में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलने वाला है, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। इतने कम प्राइस पॉइंट में इस टाइम में मार्केट में दूसरे ब्रांड्स बिल्कुल ANC गेमिंग ईयरबड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ताकि अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का, एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको नंबर सुपर बड्स 999 गेमिंग ईयरबड्स का ऐसे बिल्कुल आपको प्रीमियम सब बॉक्स मिलेगा ब्रांड की तरफ से। पैकेजिंग काफी बढ़िया दी गई है और यहां पर साफ साफ मेंशन है इंडियाज फर्स्ट डुअल RGB हेलमेट डिजाइन के ANC ईयरबड्स है, कॉर्ड माइक से सेटअप, डुअल डिवाइस पेयरिंग के साथ, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसको हम करेंगे क्विकली अनबॉक्स। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाली है, एक ही चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड मिलने वाली है, यहाँ से वारंटी क्लेम कर सकते हैं ब्रांड की तरफ से। साथ में एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। कुछ आपको ब्रांड की तरफ से यहाँ पे आपको स्टिकर्स मिलने वाले, इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक यहाँ पर आपको एडिकेट लेंथ की लेकिन काफी बढ़िया क्वालिटी आपको चार्जिंग केबल मिलने वाली, टाइप सी पोर्ट की, टू चार्ज योर ईयरबड्स केस। एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और यहां पर इनके आपको दो वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, स्टील ब्लैक और स्टील ग्रे। जो आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है ईयरबड्स से केस का, अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। और इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो यहां पर आपको ऐसे बिल्कुल हेलमेट डिजाइन का, यहाँ पे आपको बीटल डिजाइन का बोल सकते हैं, जो बीटल रहता है वैसे डिजाइन का यहाँ पे आपको ईयरबड्स का केस मिलने वाला है, मैट फिनिश और ग्लॉसनेस के कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पर जो लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया, इसमें आपको डुअल RGB LED लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स चेंज हो रही है, काफी अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड कर रही है। ऊपर भी आपको लाइट्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, गेमिंग ईयरबड्स का साफ सा लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहे हैं ये। फ्रंट में आपको नंबर की ब्रांडिंग मिलने वाली है, बैक साइड में आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, ऐसे कोई बटन नहीं है केस में। और जो बेल्ट है वो भी आपको काफी इंप्रेसिव मिल जाएगी, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और ये काफी कॉम्पैक्ट केस है, पॉकेट में कैरी करते हैं, पोर्टेबिलिटी को लेकर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और केस को ओपन करेंगे दोनों ही बड्स पैक्ड है, लेफ्ट राइट साफ साफ मेंशनड है। और इसमें आपको मिलने वाला है मैग्नेट्स, ईयरबड्स बिल्कुल नहीं गिरते केस के अंदर से। और जो केस का लॉक है यहाँ पे ऐसे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसको आपको ऐसे होल्ड करके रखना पड़ेगा, लेकिन हिंजेस पार्ट यहाँ पे आपको काफी प्रॉमिसिंग मिलने वाले हैं। और इसमें आपको हॉल स्विच टेक्नोलॉजी दी गई है, मतलब इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलने वाला है लेटेस्ट। और जो इसका इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं, आप देख सकते हैं केस को ओपन करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी नहीं लेगा, लास्ट पर डिवाइस ऑटोमेटिकली कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। और केस को आप बंद करेंगे इंस्टेंटली डिसकनेक्शन भी हो जाएगा। हॉल स्विच टेक्नोलॉजी बढ़िया तरीके से वर्क करती है। डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन भी है, एक टाइम पे आप दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है आपको यहाँ पे मल्टीपर्पज के लिए इसको यूटिलाइज करना है तो। और बड्स आप आपको स्टैम शेप के मिल जाएंगे, छोटे छोटे साइज के, यहाँ पे आपको नंबर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, इसमें भी लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और जो स्टील ग्रे वाला वेरियंट है उसमें आपको ग्रे कलर के बड्स मिलेंगे, और जो स्टील ब्लैक वाला वेरियंट है उसमें आपको ब्लैक कलर के बड्स मिलेंगे। जो आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन पसंद है आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैट फिनिश और ग्लॉसनेस का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशन है। और फिटिंग पार्ट को लेकर मुझे पड़ी है ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे फिटिंग यहाँ पे आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है। और यहाँ पर आप ईयरबड्स को लगा के वर्कआउट्स भी करना चाहते हैं, रनिंग एक्टिविटीज भी करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, कानों से ये नहीं करते। इसमें आपको फुल टच कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं, वो कैसे वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। एक नजर डालते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स पार्ट को लेकर। तो इसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.4, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 12.4 mm के स्टीरियो बेस्ड ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, हॉल स्विच टेक्नोलॉजी, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डुअल RGB LED लाइट्स का ऑप्शन, कॉर्ड माइक का सेटअप, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर के साथ, गेमिंग मोड मिल जाएगा, ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, फुल टच कंट्रोल्स भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। अप्रॉक्सिमेटली आपको 5-6 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, डिपेंड करता है ANC और वॉल्यूम पे। ANC के साथ म्यूजिक सुनेंगे कम बैटरी लाइफ मिलेगी, बिना ANC म्यूजिक सुनेंगे आपको डिसेंट बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और यहाँ पर आप टोटल अप टू बोल सकते हैं 55 आवर्स का ओवरऑल प्ले टाइम ले सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस, ANC मोड को ऑफ करेंगे तो। और अप्रॉक्सिमेटली आप ओवरऑल 30 आवर्स का ओवरऑल प्ले टाइम ले सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस, ANC मोड को ऑन करेंगे तो। सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 15 मिनट्स यहाँ पे आप केस को चार्ज करेंगे, अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे आपको 3 आवर्स का प्ले टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फीचर्स काफी आपको बहुत ही इंप्रेसिव मिल जाएंगे इस प्राइस पॉइंट में ANC मोड के साथ, कोई दूसरे ब्रांड बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर रहे इतने सारे फीचर्स। फीचर्स काफी आपको यहाँ पे बढ़िया मिलने वाले हैं, मस्त मिलने वाले हैं। बात करेंगे इसके फुल टच कंट्रोल्स की,
उसका हिसाब किताब ऐसा है, अगर आप किसी भी ईयर को डबल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से डबल टैप करेंगे किसी भी ईयर को तो म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयर को ट्रिपल टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, लेफ्ट ईयर को अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे ये प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा, राइट ईयर को सिंगल टैप करते रहेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेफ्ट ईयर को अगर आप सिंगल टैप करते रहेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी। यहां पर आप लेफ्ट ईयर को लॉन्ग प्रेस करते हैं 2-3 सेकंड्स के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड्स देके यूटिलाइज कर पाएंगे। राइट ईयर को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2-3 सेकंड्स के लिए, जो गेमिंग मोड है उसमें एंटर कर जाएगा, आपको कानों में प्रॉम्प्ट भी सुनाई देगा। फिर से राइट ईयर को लॉन्ग प्रेस करेंगे 2-3 सेकंड्स के लिए, गेम मोड से एग्जिट करके ये म्यूजिक मोड में आ जाएगा, इसका डुअल मोड्स का ऑप्शन दिया गया है। और यहां पर किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, डबल टैप करेंगे किसी भी ईयर को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से डबल टैप करेंगे किसी भी ईयर को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए 2-3 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे किसी भी ईयर को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और यहां पर जो एएनसी मोड ट्रांसपेरेंसी मोड दिया गया, अगर आप यहां पे किसी भी ईयरबड को 4 टाइम्स टैप करेंगे ये एएनसी मोड में स्विच करेगा, फिर से 4 टाइम्स टैप करेंगे किसी भी ईयर को तो ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करेगा, फिर से 4 टाइम्स टैप करेंगे ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और अगर हम इसके एएनसी और ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करेंगे, अगर यहां पे नॉर्मल कंडीशन में है, इंट्रो कंडीशन में, यहां पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, एएनसी मोड यहां पे इसका सही तरीके से वर्क करता है, 40 डेसिबल्स जो क्लेम की है सही तरीके से वर्क करता है, बोल सकते हैं 85-90% बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देगा इंटर नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहां पर आप ट्रैफिक कंडीशन में जाएंगे, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज आपको यहां पे साफ साफ पता चलेंगे बैकग्राउंड की, आप बोल सकते हैं 80-85% बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल करता है आउटडोर कंडीशन में, तो एएनसी मोड इसका यहां पे अच्छे तरीके से वर्क करता है, बहुत ज्यादा परफेक्शन भी नहीं बोल पाएंगे, नहीं खराब बोल पाएंगे, अच्छा आप बोल सकते हैं, आपको डिसेंट एएनसी मोड मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है, साफ साफ जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज है कैच कर लेगा, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, रोबोटिक आवाज क्रिएट नहीं करता, ये एक प्लस पॉइंट। और अगर हम बात करेंगे इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की, यहां पे 35 मिलीसेकंड मात्र लेटेंसी क्लेम की है गेमिंग के टाइम पे, आप यहां पर देखिए BGMI गेम टेस्ट इसके थ्रू। यहाँ पर जो गेमिंग मोड दिया गया है, मैंने SBC कोडेक ऑन करके इसका गेम मोड ऑन करके मैंने गेमिंग करी थी, जो 35 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है बिल्कुल जस्टिफाइड लगी मुझे, जब मैं गोलियां चला रहा था उसी टाइम बिल्कुल प्रॉम मेरे कानों में आवाज आ रही थी, स्टीरियो सेपरेशन भी काफी आपको बढ़िया मिलने वाला है, एनिमीज यहां से आ रही है कि वहां से आ रही है आप डेफिनेटली पता कर पाएंगे, गेमिंग पार्ट के लिए बिल्कुल ये थम्स अप है। अगर आपको ANC मोड के साथ गेमिंग का मजा चाहिए इसको आप डेफिनेटली उस पर्पस के लिए चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे अब हम साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको 12.4 mm के यहाँ पे डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं SBC AC कोडेक के सपोर्ट के साथ। लाउडनेस आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलने वाली है, मतलब फुल वॉल्यूम पे आप डेफिनेटली बोल सकते हैं अवॉइड कर सकते हैं सुनने को, क्योंकि लाउडनेस बहुत ज्यादा है, 70-80% वॉल्यूम तक मैक्सिमम सुनेंगे, यहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा म्यूजिक और बेस पार्ट को लेकर। साउंड लीकेज की बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप फैन के नीचे बैठे हुए हैं लाउडनेस बहुत ज्यादा है, अगर आप 80% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे तो साइड में जो बैठा हुआ है आपको हल्के हल्के तरीके से बता देगा आप कानों में क्या सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप बोल सकते हैं 80% वॉल्यूम से ऊपर आपको थोड़ा बहुत साउंड लीकेज का इशू देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके आउटपुट की बात करेंगे तो भाई इसका आउटपुट काफी आपको बढ़िया मिलने वाला है, और जो मेनली बेस इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे काफी सराउंडिंग मिलने वाला है प्रॉपर डेपनेस पंचनेस के साथ। आप बेस लवर यहाँ पे आपको गूंजता हुआ बेस इफेक्ट चाहिए उस पर्पस के इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वोकल्स पे आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, ट्रेबल्स भी आपको डिसेंट मिलने वाले, ट्रेबल्स को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी सच, एंड जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है वहां पे हल्की फुल्की बेटरमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि जो बेस है काफी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है तो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन में थोड़ा बहुत बोल सकते बेटरमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वोकल्स अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन आपको डिसेंट मिल जाएंगे, ट्रेबल्स आपको डिसेंट मिलने वाले हैं, और बेस लवर है इसको आप डेफिनेटली बढ़िया सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। ओवरऑल यहां पे आपको आउटपुट काफी आपको इंप्रेसिव मिल जाएगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब हम बात करेंगे इसे कॉलिंग एक्सपीरियंस की। 4 माइक से सेटअप दिया गया एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, HDRS देखिए आप हमारा हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो, हाँ दीक्षा जी क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, रेस्ट कर रही थी। रेस्ट किया जा रहा है, ओके। अभी आपका 2 मिनट टाइम लिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर हाँ नंबर ब्रांड की तरफ से नंबर सुपरबर्ड्स 999 इनके एक ANC ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं। हाँ। तो इसका मैं कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पे पार्क साइड कंडीशन में हूँ, नॉर्मल कंडीशन में। तो मेरी आवाज कैसी आ रही है ईयरबड्स के थ्रू बातचीत की जा रही है आपसे? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है, वोकल्स काफी क्लियर लग रहे हैं, लाउडनेस भी अच्छी है, और बैकग्राउंड की मुझे अभी तो फिलहाल कोई एक्टिविटी ऐसा समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज पे अच्छा खासा फोकस है। थोड़ा सा दूर कंसेशन हल्का-फुल्का चल रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत आ रही है बातचीत को लेके? नहीं नहीं, आवाज एकदम क्लियर आ रही है। कितना परसेंटेज फोकस बोल सकते हो मेरी आवाज पे आप नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से? अभी 85-90% है इतना फोकस। हाँ, आप थोड़ा ट्रैफिक कंडीशन में जाऊंगा बताइएगा वहां पे कैसे कॉलिंग है। हां हां ठीक है। हां दीक्षा, हां मैं तुमसे सेम ईयरबड्स से बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा ट्रैफिक कंडीशन में आ गया हूँ। हाईवे रोड है, यहाँ पर रोड साइड में थोड़ा रोड क्रॉस भी कर रहा हूँ, यहाँ पे तो गाड़ियाँ भी आसपास जा रही हैं, तो अब तो मैं कंपैरेटिवली मेरी आवाज कैसी आ रही है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन?
आवाज तो अभी भी अच्छे समझ में आ रही है क्योंकि लाउडनेस अच्छी है, ठीक है। लेकिन जब गाड़ियां पास से जा रही हैं तब थोड़ा सा समझने में मुझे मतलब गाड़ियों की आवाज ज्यादा समझ में आ रही है। अच्छा, तो कितना परसेंटेज यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से मेरी आवाज से फोकस बोल सकते हो? अभी 75-80%। अच्छा है अभी इतना फोकस? हाँ ठीक है रिक्शा, थैंक यू। कॉलिंग यहाँ पर आपको इंट्रो कंडीशन में काफी बढ़िया मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है, इंट्रो कंडीशन में है, उस पर्पस के लिए बढ़िया ऑप्शन है ये। आउटर कंडीशन में थोड़ी बहुत ही साफ साफ एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, तो आप बोल सकते हैं इंट्रो कंडीशन में बढ़िया कॉलिंग मिलेगी, आउटर कंडीशन में आपको डिसेंट कॉलिंग मिलने वाली है। रेटिंग्स करेंगे अब हम साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटीज के, ANC फीचर को लेकर, गेमिंग एक्सपीरियंस को लेकर आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा इंट्रो कंडीशन की 9 out of 10, आउटर कंडीशन की 8 out of 10, इसके मैं ANC फीचर को दूंगा 8.5 out of 10, गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा मैं 9.5 out of 10। दिस आर द रेटिंग्स टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स जस्ट 1300 रुपए जो कि इसका लॉन्च प्राइस है, प्राइसिंग इसके बढ़ जाएंगे। और भाई 1300 रुपए के हिसाब से मेरे हिसाब से बिल्कुल ही थम्सअप है। जो इसका लुक एंड फील दिया गया है, जो लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, यहाँ पर आपको गेमिंग ईयरबड्स चाहिए ANC मोड के साथ, आउटपुट भी काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाला है, गेमिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन चाहिए, फीचर्स आपको काफी बढ़िया बढ़िया मिलने वाले हैं। थम्स अप है इसको, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो भाई फटाफट ग्रैब कर लीजिए, वरना जो उसका प्राइसिंग है बढ़ जाएगा। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं जो आपका कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लगा। अभी भी आपको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, कंप्लीट टेस्टिंग एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च नंबर सुपरबड्स 999 ANC हेलमेट डिजाइन गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.